देश में पिछले 9 सालों में बढ़ती महंगाई ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी दिल्ली में एलपीजी के दाम इन 9 सालों में करीब 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। 2014 में प्रति गैस सिलेंडर के दाम 410 रुपए थे, जो अब बढ़कर 1103 रुपए हो चुके हैं। आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध, डीजल, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो गया है। आम आदमी की कमर महंगाई ने तोड़ रखी है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता है, और ऐसा ठीक हम भी करेंगे। लेकिन एक समय देश में ऐसा भी था जब देश के अखबार आम जनता से जुड़े मुद्दों पर ही सरकार और सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल करते थे। अखबारों के किसी भी पेज पर जब महंगाई से जुड़ी खबर छपती थी तो सत्ता हिल जाती थी। पीएमओ के फोन बजने लगते थे, कैबिनेट की बैठकों के दौर शुरू हो जाते थे। देश में 1977 से 1980 के बीच प्याज की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला था। आम जनता महंगाई से परेशान थी। तब इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ महंगे प्याज को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी प्याज की माला पहनकर घूमी और आम चुनावों में जनता पार्टी को महंगाई की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 1998 में दिल्ली में प्याज की कीमतों की वजह से बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे, लेकिन उसके बाद भी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बीजेपी ने मदन लाल खुराना को हटाकर साहिब सिंह वर्मा को सीएम बनाया, लेकिन प्याज की कीमतों में कोई भी कमी नहीं आई। इसके बाद चुनाव से पहले सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन तब तक जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया था। 1998 में ही राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी महंगा प्याज चुनावी मुद्दा बना और एनडीए गठबंधन सरकार को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।